नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी। दोस्तों मैं हूं रणवीर सिंह और देखिए मैं आ गया हूं फिर एक अपडेट लेकर। देखिए अपडेट मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, आरपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, आरएसएम एसएसपी का एग्जाम देना चाहते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, या कोई और भर्ती एजेंसी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, या यूनिवर्सिटी एग्जाम देना चाहते हैं, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, या कॉलेज एग्जाम देना चाहते हैं, सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम है उनको छोड़कर, तो देखिए आप हो जाइए सतर्क, क्योंकि यहां पर देखिए बड़ी कार्रवाई का यहां पर देखिए कानून आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी। प्रदेश में अब देखिए नकल विरोधी जो कानून है वो एक्ट 2022 है। देखिए यहां पर भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम के अध्याय उपाय, यहां पर एक्ट 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके अंदर क्या क्या चीजें कही गई हैं वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए प्रदेश के अंदर अब परीक्षाएं जो होंगी, उन परीक्षाओं में अगर आप कहीं नकल करते पाए जाते हैं या कहीं पर देखिए जिससे नकल और जो पेपर लीक कराने के जो गिरोह हैं उनसे अगर कहीं आपके तार मिलते हैं तो देखिए, तो उसकी रोकथाम के लिए यहां पर जो कानून बनाया गया है एक्ट 2022, तो देखिए उसके अंदर दो बड़ी बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए नकल, मतलब कानून में जो बात कही गई नकल गिरोह की संपत्ति जब्त की जाएगी, उसके साथ साथ 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ये जो नया कानून आया उसके अंदर देखिए केंद्र की परीक्षाओं को इस दायरे से बाहर रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपकी राजस्थान में होने वाली सारी परीक्षाएं इस पूरे एक्ट में शामिल हैं, और उससे पहले जो आपको कुछ कानून, जो कानून है नकल विरोधी, जिसमें आपको कोई भर्ती एजेंसी या तो लाइफ टाइम के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए परीक्षाओं से वंचित कर सकती है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन इस पूरे कानून के अंदर दो बड़ी बात है, आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है, आप पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। तो ऐसे नकल माफिया, नकल गिरोह से दूर रहें, ऐसे अनुचित संसाधनों का प्रयोग परीक्षा के दौरान बिल्कुल ना करें। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आपके प्रवेश कार्ड के साथ जो आती है उस पूरी गाइडलाइन को फॉलो करें, ताकि भविष्य में लगातार आप परीक्षाओं में बैठ सकें और आपके ऊपर इस तरह का नकल विरोधी जो कानून है, नकल की रोकथाम के लिए जो बनाया गया कानून है, वो एक्ट के अनुशासन में रहकर आपको अपनी परीक्षाओं को आगे लेके जाना चाहिए, ताकि आपकी जो मेहनत है, पढ़ाई है, वो रंग ला सके। एक गलती आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। संदेश जन जन तक शेयर करें। इस खबर का विश्लेषण इसलिए करना जरूरी था कि आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं, और अभी जो परीक्षाएं जो हुई थी आपको पता है कि राजस्थान के अंदर रीट कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल हुआ? इन नकल माफियाओं की वजह से कैंसिल हुआ, नकल गिरोह की वजह से कैंसिल हुआ। तो आगे इस तरह विद्यार्थियों के लिए परेशानी ना हो, उसको देखते हुए ये एक्ट बनाया गया है और ये एक्ट देखिए यहाँ पर लागू कर दिया गया है। अब इस संदेश को आप जिन तक शेयर करें ताकि सभी साथियों तक ये खबर पहुंच सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।